इब्राहीम असल स्टूडेंट्स टूडे आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर फोर बायोलॉजी एफ एस सी पार्ट वन आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर सिक्स दैट इज बैक्टेरियल सेल स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने बैक्टेरियल सेल कंपोनेंट्स को जो है वो प्लासमी तक डिस्कस कर लिया था आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स वट आर राइबोजोम्स राइबोजोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म आर लूजली अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स जो होते हैं ये बच्चे छोटे छोटे दाने दा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है उसके साथ लूजली अटैच्ड होते हैं मतलब ये दो फॉटें जो है वो सेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके बाद अगर हम इसके साइज़ के हवाले से देखें तो बच्चे जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर मीन्स प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रोटिक सेल के अंदर जो इनका साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है अब चूंकि हम लोग प्रोक्रोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूक्रियोटिक सेल ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं मतलब प्रोक्रियोटिक सेल इनके अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो सेवनटी एस का होता है और जो यू क्रियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ए टी एस का होता है ये बच्चे आप लोग चैप्टर फोर में जो है वो बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि यूक्रियोटिक सेल जो है वो ए टी एस का क्यों है और प्रोक्रोटिका का टी एस का क्यों है अब ये जो हमारे पास ग्रोइंग सेल होते हैं मतलब जो सेल ग्रो कर रहे होते हैं इनके अंदर थाउजेंड ऑफ रॉइबोजोम जो हैं वो मौजूद होते हैं इनकी राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन देखें कि ये राइबोसोम किस से बने होते हैं तो बेटा ये आरएनए और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बनते हैं और इनका राइबोसोम्स का जो काम होता है वो बेसिकली प्रोटीन सेंसिस का होता है जिसकी वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री का नेम भी दिया जाता है ठीक है यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया का दिखाया गया है इसके अंदर आप लोगों ने लोकेशन चेक करनी है राइबोसोम्स की हम लोगों ने कहा कि राइबोसोम जो होते हैं ये दो फॉर्म में सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या तो ये बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या ये जो हमारे पास से प्लस सेलम ब्रेन है ठीक है जिसको प्लाज्मा ब्रेन कहते हैं इसके साथ जो है ये लूजली अटैच होते हैं और ये क्या काम करते हैं ये प्रोटीन सेंसिस का काम करते हैं जिसकी वजह से इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री का नेम देते हैं उसके बाद बचे हमारे पास है मीजोजोम्स मीजोसोम जो होती हैं ये एक्चुअली इनफोल्डिंग होती हैं जो कि प्लाज्मा ब्रेन की इनफोल्डिंग होती हैं मेन जो सेल ब्रेन सेल ब्रेन का दूसरा नेम जो है वो प्लाज्मा ब्रेन भी है तो जो सेल ब्रेन या प्लाज्मा ब्रेन इनवेजिनेट करती है मेन साइटोप्लाज्म की तरफ पिंच करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं मीजोजोम्स बोलते हैं मिजोजोम को सिंपली बच्चे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मीजोजोम्स मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये साइटोप्लाज्म की तरफ जो है ये बच्चे इन्वेजिनेट करती है ठीक है अंदर की तरफ ये मूर्ती है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं मीजोजोम्स बोलते हैं मिजोजोम जो होते हैं ये तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं मतलब ये अपनी तीन तरह की शेप बना सकते हैं अगर तो ये जो सेल मब्रेन होती है अगर ये वेसिकल की फॉर्म में जो है या सर्कल की फॉर्म में इन्वेज होती है तो उसको हम वेसिकल म्यूजोसोम बोलते हैं अगर वो ट्यूब की फॉर्म में बनते हैं ठीक है ठीके? जिस तरह पाइप होता है उसकी फॉर्म में मब्रेन जो है वो इन्वेज होती है या इन्वेजनेट होती है तो उसको हम ट्यूबुलर म्यूजोसोम्स कहते हैं अगर वो छोटी छोटी पथरियाँ बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मिजोसोम्स मतलब ये मीजोसोम जो होते हैं ये तीन तरह की शेप जो हैं वो शो कर सकते हैं मतलब तीन तरह से प्लाज्मा ब्रेन इनफोल्ड हो सकती है यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देखेगा कि आप लोगों को मीजोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है ठीक है यहाँ देखें ये यह इसकी जो आप लोगों को ब्लू कलर में नजर आ रही है ये क्या है ये सेलम ब्रेन है ये सेलम ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ पिंच हुई हुई है ठीक है ये जब अंदर की तरफ पिंच करती है या निवेचिनेट करती है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं मीजोजोम्स बोलते हैं उसके बाद हमारे पास है मीजोजोम्स के फंक्शंस ये जो मीज़ोजोम्स होते हैं इनका बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या काम होता है तो सबसे पहला काम बच्चे इनका होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं वो कैसे कि जो मीजोजोम्स होते हैं बच्चे इसके अंदर डिफरेंट इंजाइम मौजूद होते हैं जो कि डीएनए की कॉपी बनाते हैं मीन्स जब बैक्टीरिया सेल ने डिवाइड करना होता है तो वो अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं जो कि एक कॉपी जो है वो डिवाइडिंग सेल को देते हैं और एक अपने पास रखते हैं फर्स्ट इसका फंक्शन डीएनए एन का सेकंड ये है कि ये सेल डिवाइड करने में हेल्प करते हैं थर्डली बच्चे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो बैक्टीरिया सेल के अंदर एक्स्ट्रा इन्जाइम होते हैं या एक्जोसेलुलर इंजाइम्स मतलब जिनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है तो वो इंजाम जो होते हैं वो इस मीज़ोजोम्स मतलब इन फोल्डिंग के थ्रू जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं इसके अलावा जो मीज़ोजोम्स का काम होता है ये रिस्पारेटरी इन्जाम्स कहलाते हैं क्योंकि ये रिस्पारेशन में हेल्प करते हैं और हम लोगों ने ये पीछे भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं बच्चे इनके अंदर माइट्रोकोड्रिया मौजूद नहीं होता जब इनके अंदर माइट्रोकोडेन नहीं होता तो ये ए कैसे जनरेट करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मिजोसोम्स होती हैं या प्लाज्मा ब्रेन होती है उनके अंदर डिफरेंट रिस्पायरेटरी इन्ज़ाम्स होते हैं ये इन्ज़ैम्स क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कर कन्वर्ट करके एटीपी जनरेट करते हैं और ये एटीपी मेन एनर्जी जो होती है वो बैक्टीरियल की सेलुलर एक्टिविटी जो एक्टिविटी होती है उसके लिए यूज़ कर लिया जाता है ठीक है तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके मिजोजोम्स के और अगर हम सेल कंपोनेंट्स देखें बैक्टीरिया सेल के अंदर तो मिजोजोम जो है ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वट आर मिजोजोम्स एंड रॉइट फंक्शन ठीक है तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करना है उसके बाद बचे हमारे पास है ग्रैनोअल्स एंड स्टोरेज बॉडीज अब ये ग्रैनअल्स और स्टोरेज बॉडीज क्या होती हैं जब बच्चे जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रैनोअल्स बोलते हैं ये ग्रैनुल जो होते हैं ये बच्चे स्टोरेज तो का काम करते हैं इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं स्टोरेज तो बॉडीज़ बोलते हैं अब देखेंगे अगर हमारे घर में कोई भी एक्स्ट्रा बच्चे चीज़ पड़ी होती है तो हम क्या करते हैं उसको हम स्टोर रूम में स्टोर कर लेते हैं ठीक है और जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत होती है उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो इसी तरह ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर बच्चे ग्रैनुल्स मतलब स्टोर रूम होते हैं जिनके अंदर ये अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं अब ये जो स्टोरेज इनके अंदर हो रही होती है वो दो तरह से हो रही होती है या तो ये एक्स्ट्रा फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं या मेटाबॉलिज्म के नीचे में जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है उसको इन स्टोरेज बॉडी या ग्रैनुल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं वो कैसे अब देखिए कि बच्चे हमारे पास जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं ये जो हमारे पास कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ये क्या है मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए क्या करनी पड़ती है स्ट्रगल करनी पड़ती है और जब वो स्ट्रगल करते हैं तब जाके उनको अपनी फूड रिक्वायरमेंट मिलती है अपना लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह बेहतर बनाते हैं इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है ये भी कम्पटिटिव इन्वामेंट के अंदर रह रहे हैं इनको अपनी फूड हासिल करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहना पड़ता है जहाँ इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करना पड़ता है कंपीट करना पड़ता है ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें अब ये देखिए कि जब बैक्टीरिया एक कंपिटेटिव इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है तो उसको जो फ़ूड की सप्लाई होती है वो भी शॉर्ट होती है ठीक है उनको उतनी ही फूड मिलती है जितनी उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनको न्यूट्रिएंट्स मेन फूड जो होती है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है जब उनको एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो वो न्यूट्रेंट जो कि अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उनको तो यूटिलाइज़ किया जा सकता है लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो क्या कर, है? कर लेते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं और वो स्टोर कहाँ करते हैं अपने ग्रेनुअल्स में अपनी स्टोरेज बॉडीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं और ये बच्चे स्टोरेज किस फॉर्म में हो सकती है ये फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं फैट की फॉर्म में सल्फर और फॉस्फेट ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के, के लिए या बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है ये थे हमारे पास के न्यूट्रिएंट्स को ये अपने ग्रेनुअल्स बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं अब मैंने कहा कि स्टोरेज जो होती है वो इनके वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर किया जा सकता है आप देखिए कि जब बैक्टीरिया फूड खा रहे होते हैं तो ज़ाहर है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके अंदर फूड भी जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहे होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर लिए जाते हैं वो सेल के अंदर जो हैं वो इन इनग्रैनअल बॉडी के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं मतलब दो तरह के ग्रैनुल्स बनते हैं एक फूड को स्टोर करने के लिए होते हैं और दूसरा वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए होते हैं अब ये जो बच्चे वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है ये किस किस फॉर्म में हो सकता है अल्कोहल की फॉर्म में ये अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं लैक्टिक एसिड जो कि इनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी ठीक है उनको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो है उन ग्रैनुल्स बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है जैसे ही बच्चे वो ग्रैनोज बॉडी फिल हो जाती हैं तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है क्लियर ये था बच्चे हमारे पास ग्रैनोज का और स्टोरेज बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के अंदर के जो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया स्टोरेज बॉडीज को तो ये इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर बने होते हैं ठीक है ये भी ग्रेनोज होते हैं टाइनी ग्रेनोज स्ट्रक्चर्स जो कि फूड एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के लिए भी हेल्प करते हैं और दूसरा ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं ठीक है थीके? इनको हम स्टोरेज गैन बॉडीज भी कहते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास स्पोर्ट्स अब ये जो स्पोर्ट्स होती हैं इनको कहते हैं डोरमेंट बॉडीज और डोरमेंट बॉडीज़ क्या होती हैं ऐसी बॉडीज जो कि अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेती हैं मतलब अपनी ग्रोथ को रोक लेती हैं और ये कब रोकते हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं और कंडीशन जब अनफेवरेबल हूँ तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं अपने अंदर डोरमेंट बॉडीज बना लेती हैं और वो डोरमेंट बॉडीज़ क्या करती हैं कि इनके अंदर बच्चे मेटाबॉलिक का प्रोसेस रोक देती हैं जैसे ही मेटाबोलिका प्रोसेस रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी तो क्या होता है कि ये अपनी बॉडी को रोक लेते हैं मतलब जब बैक्टीरिया को अच्छी लाइट अवेलेबल नहीं होती अच्छी फूड अवेलेबल नहीं होती मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो जो स्पोर्स होते हैं वो बैक्टीरिया सेल के अंदर बनते हैं और जो कि मेटाबोलिकली क्या करते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं मतलब मेटामोलिज्म का प्रोसेस नहीं होगा और जिसके नतीजे में क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है ये मोस्टली काम बच्चे तब होता है स्पोर्स तब बनते हैं जब बैक्टीरिया सेल जो होता है उसकी लास्ट स्टेज होती है या मरने के करीब होता है ठीक है तो तब ये उनकी बॉडी के अंदर स्पोर्स बनती हैं अब बैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं हर बैक्टीरिया के अंदर ही बनते जिन बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं उनके अंदर ये स्पोर्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं यहाँ बच्चे आप देख सकती हैं ये आपको स्पोर्ट्स का जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है ठीक है इसी तरह इसके ऊपर जो है वो कोट बनी होती है और ये कोट क्या करती है कि इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है ताकि बैक्टीरिया को इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो ठीक है ये देखिए कोट है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बनी हुई है इनर मेम्ब्रेन है और जम सेल वॉल इसके अंदर बनी होती है ठीक है ये स्पोर्स बनते हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी उसके बाद बच्चे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पोर्स अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये दो तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं ये दो तरह से कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि आपको पता है कि जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वेजिटेटिव सेल्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स होते हैं मतलब वेजिटेटिव सेल को आप ग्रोइंग सेल भी कह सकते हो अगर तो स्पोर जो हैं वो वेजिटेटिव सेल्स के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं बर्ड की फॉर्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं एग्जो स्पोर्ट्स आउटसाइड ठीक है और स्पोर्स के इसके अंदर जो है वो डोरमेंट बॉडी बनती हैं जो कि वेजिटेटिव सेल के, के बाहर बनती हैं और वेजिटेटिव सेल क्या होता है ग्रोइंग सेल होता है जिसके ऊपर बर्ड बनता है और उस बर्ड के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसी तरह बच्चे अगर वेजिटेटिव सेल्स के अंदर की तरफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एंडोस्पोर्स बोलते हैं और इसी तरह जब एंडोस्पोर्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोर्स अपनी एक वॉल बना लेते हैं और उस वॉल को क्या करते हैं उसके थ्रू जो है उस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं फंक्शन के हवाले से बात करें तो जो स्पोर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू एडवर्स फिजिकल इन्वामेंट कंडीशंस मतलब क्या है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं ये ड्रास्टिक हो जाती हैं शदीद हो जाती हैं वो किस हवाले से मतलब उनके अंदर लाइट जो है वो अच्छी नहीं है कामयाब ज़्यादा है डेसिकेशन है पानी की कमी हो गई है पीएच कम या ज़्यादा हो गई है या उनके अंदर केमिकल एजेंट्स हो गए हैं वो ज़्यादा या कम हो गई हैं तो तब कंडीशन क्या होती है अनफेवरेबल होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करती हैं रेजिस्टेंस कॉज करते हैं है, मतलब ये बैक्टीरिया सेल को जो है वो ख़राब नहीं होने देते बैक्टीरिया सेल को जो है ये बचाते हैं जैसे ही बचे ये अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल हो जाती है मतलब अच्छी लाइट अच्छा पानी अच्छी पी एच इनको अवेलेबल होती है तो ये दोबारा से जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो वेजिटेटिव सेल की जहाँ ग्रोथ रुकी होती है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है क्लियर उसके बाद बच्चे हमारे पास है लास्ट कंपोनेंट है बैक्टीरिया सेल का जिसको सिस्ट कहते हैं ये सिस्ट क्या होती हैं ये भी बच्चे डोरमेंट बॉडी होती हैं अब स्पोर्स और सिस्ट में क्या फ़र्क है इनमें मेनली बचे डिफरेंस ये है कि जो स्पोर्स होते हैं उनकी वॉल होती थी है वो थीन होती है लेकिन जो सिस्ट होती हैं इनके अंदर जो डॉर्मेंट बॉडी बनती है उनकी वॉल थीक होती है मेन उनकी जो सर वॉल होती है वो थीक होती है जो कि सिस्ट की बनती है और इसका काम भी बेसिकली क्या होता है कि ये डेसिकेशन से बचाती हैं थीक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स ठीक है अब डेसिकेशन का क्या मतलब है कि ये पानी की कमी को जो है वो पूरा कर, जो है अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस कॉज करते हैं मतलब ये एक्स्ट्रा वाटर को लॉस नहीं होने देती हैं. अब ये बच्चे जब थिक वॉल्ड होती है तो थिक वॉल होने की वजह से इसके अंदर जो है पिपराडोगलाइकन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स अब ये बच्चे जब पेपराडोगलाइकन ज़्यादा होती है तो वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होती मतलब ये हीट को टॉलोरेट नहीं कर सकते ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर जो है वो सिस्ट बनती हैं मतलब ठीक वॉल सिस्ट बनती है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होते क्योंकि उनकी वॉल के अंदर पेपराडोगलाइकन ज़्यादा होती है और पेपराडोगलाइकन जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होती जिसकी वजह से ये वाले बैक्टीरिया जो है वो अपने सेल को जो है वो हीट से नहीं बचा सकते ठीक है इसी तरह ये हमारे पास के डिफरेंस अगर आ जाए आपको सिस्ट और स्पोर में तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो सिस्ट होती है वो थिक वॉल्ड होते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो थिन इन वॉल्ड होते हैं ठीक है लेकिन दोनों का काम बेसिकली क्या होता है कि ये डेसिकेशन से बचाते हैं लेकिन जो हमारे पास सिस्ट होती हैं ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं अब ये जो सिस्ट होती हैं बच्चे जैसे ही जर्मिनेशन जो है वो सूटेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ये जर्मिनेट करना स्टार्ट होते हैं और जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो जो वेजिटेटिव ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन मेन उनके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इजीली जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं क्लियर ये था बच्चे आज का